लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑलजोन टाइम्स न्यूज और हिट कीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आपका ऑलजोन टाइम्स न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। दर्शकों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हर बार आपको जैन धर्म की अलग अलग इतिहास, तीर्थ स्थान आदि से रूबरू करवाते हैं। उसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी से जुड़ी कुछ खास बातें। तीर्थंकर नेमिनाथ जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं। आपको बता दें कि वासुदेव श्री कृष्ण एवं तीर्थंकर नेमिनाथ न केवल समकालीन युग पुरुष थे, बल्कि पैतृक परंपरा से भाई भी थे। भारत की ब्राह्मण और श्रमण संस्कृतियों ने इन दोनों युग पुरुषों को अपना अपना आराध्य देव माना है। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकर नेमिनाथ यदुकुल में शौर्यपुर के राजा समुद्र विजय एवं शिवा देवी के पुत्र थे। अंधक वृष्णी के 10 पुत्रों में सबसे बड़े समुद्र विजय और सबसे छोटे वसुदेव विशेष प्रभावशाली थे। कृष्ण व बलराम वसुदेव के पुत्र थे, अतः तीर्थंकर नेमिनाथ के श्री कृष्ण चचेरे भाई थे। एक बार नेमी कुमार जी के विवाह के अवसर पर उनको सुसज्जित रथ में बिठाकर समुद्र विजय, श्री कृष्ण, बलराम आदि अनेक यादव कुमार हाथी, घोड़े तथा रथों में बैठकर विवाह स्थल की ओर रवाना हुए। जब नेमी कुमार की बारात चीखते चिल्लाते पशुओं के बाड़ों के बीच में से गुजरी, तब भयभीत पशुओं को देखकर नेमी कुमार ने सारथी से पूछा, इन पशुओं को क्यों बांध रखा है? सारथी ने नम्रता से कहा कि आपके साथ आए यादव कुमारों को इनका मांस परोसा जाएगा। नेमी कुमार का हृदय करुणा से भर उठा। वे सोचने लगे कि एक मेरा विवाह होगा जिसके लिए हजारों मूक पशुओं के प्राण लूटे जाएंगे, उनकी मौत का निमित्त मैं बनूंगा। उन्होंने सारथी से कहा, रथ को वापस द्वारका की तरफ मोड़ दो। कृष्ण व बलराम आदि सभी ने आकर पुनः बार बार समझाया, परंतु नेमी कुमार दृढ़ता से इनकार कर द्वारका आ गए और वर्षीदान दिया। वासुदेव श्री कृष्ण ने उम्र में बड़े होने के कारण नेमी कुमार को आशीर्वाद देते हुए कहा, आप शीघ्र अति शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, धर्म का आलोक विश्व में फैलाएं। देवों, इंद्रों और मानवों के साथ श्री कृष्ण ने मिलकर कैवल्य महोत्सव मनाया। महाराजा उग्रसेन की पुत्री व श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की छोटी बहन राजमती अत्यंत रूपवान, सुशील व गुण संपन्न कन्या थी। वह अपने भाग्य की सराहना कर रही थी कि उसे त्रिलोक सुंदर व गुणवान पति मिल रहे हैं। उनकी इस हार्दिक अभिलाषा पर उस समय आघात लगा जब विवाह से पहले ही उनके भावी जीवन साथी वापस मुड़ गए। कुमार तीर्थंकर नेमिनाथ के दीक्षा की बात सुनने पर राजीमती सैकड़ों युवतियों के साथ साध्वी बन गई। वरदत्त आदि 11 गणधर भगवान के प्रधान शिष्य हुए। प्रभु के धर्म परिवार में 18,000 श्रमण, 40,000 श्रमणियां, 1,69,000 श्रावक एवं 3,36,000 श्राविकाएं थी। नेमिनाथ जी ने 30 दिनों के अनशन में नश्वर शरीर को छोड़कर सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। तीर्थंकर नेमिनाथ जी का चिन्ह शंख है। हम आशा करते हैं कि आपको आज के इस एपिसोड के जरिए बहुत सी रोचक जानकारियां मिली होंगी। जैन धर्म से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए ऑलजोन टाइम्स न्यूज और सब्सक्राइब करें ऑलजोन टाइम्स चैनल। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑलजोन टाइम्स न्यूज और हिट कीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।